त्रेता युग में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों की खुशी को शब्दों में भी बयां करना मुश्किल था। वो खुशी, वो एहसास, वो प्यार बेहद अद्भुत था। एक बार फिर अयोध्या में खुशी है। ये खुशी रामलला के दोबारा अयोध्या में विराजित होने की है। 22 जनवरी, ये वो तारीख है, ये वो दिन है जिस दिन सरयू के तट पर अयोध्या नगरी में राम के भव्य महल में राम जी को विराजित किया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्रभु राम के विराजमान होने का अनुष्ठान काशी के वैदिक विद्वान करेंगे। यजमान की भूमिका में पीएम मोदी होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में केवल 5 लोग शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, 17 जनवरी से प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू होगा। यह अनुष्ठान 5 दिन चलेगा। 5 दिन के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:45 के बीच रामलला अपने भव्य महल में विराजमान होंगे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद गर्भगृह में मौजूद 5 लोग प्रभु राम की पहली आरती उतारेंगे। वहीं राम मंदिर के 10,000 ऐसे VVIP मेहमानों को भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, जिसमें लगभग 4,000 संत के अलावा खेल और कला जगत के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों के महानुभाव लोग शामिल हैं। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।